अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज जिस चीज के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, हम उससे बहुत हद तक आशना हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जी तो हमारे टॉपिक का नाम है ट्राई ट्राई अगेन, यानी कि बार बार कोशिश करो। जिंदगी एक ही स्टेप पर रुकने का नाम नहीं, जिंदगी एक ही दफा गिरने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी तो नाम ही बार बार कोशिश करने का है, बार बार उठने का है, खड़े होने का है, गिरने का है। इसलिए कभी भी एक स्टेप पर खुद को मत रोकें, कभी भी एक स्टेप पर खुद को नाउम्मीद मत करें, बल्कि उठें, अपनी काबिलियत पर यकीन रखें और दोबारा कोशिश करें। अब देखते हैं कि ट्राई ट्राई अगेन का मतलब क्या है। जी तो व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि अगर एक दफा कामयाबी हासिल नहीं हुई तो आप दोबारा कोशिश करें, हमेशा कोशिश को जारी रखें और बार बार कोशिश करते रहें। कभी भी पहली नाकामी के बाद आराम से खामोश होकर मत बैठ जाए, क्योंकि बाज दफा हमें अपने गोल को अचीव करने का के लिए नाकामी का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें कोई लेसन भी तो देना होता है, क्योंकि हम शायद कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसको करेक्ट करने के लिए अल्लाह पाक हमें लेसन देते हैं, क्योंकि हम अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं। जब हम अपने गोल के लिए इतने सच्चे और इतनी लगन से आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो पाक जात भी चाहती है कि आप उसको परफेक्टली करो। इसलिए वो आपको एक या दो दफा नाकामी का सामना जरूर करवाता है, क्योंकि शायद हम बेहतर तरीके से वो काम नहीं कर रहे जितने बेहतर तरीके से हमें करना चाहिए। और आपने ये नोट किया होगा, हमेशा नाकामी के बाद हम वो काम बेहतर तरीके से और जितना हमने सोचा होता है उससे ज्यादा कहीं अच्छा करते हैं। और एक बात अपने जहन पर बिठा लें कि कामयाबी कभी भी पहले कदम पर नहीं मिलती। जब बच्चा इस दुनिया में आता है वो पैदा होते ही चलने नहीं लग जाता, वो पहले छोटे छोटे कदम लेता है, वो गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और कई दफा ये अमल जारी रहता है, उठने का, गिरने का, संभलने का, फिर कहीं जाकर वो सीखता है। और नाकामी भी हमारे लिए उस बच्चे के जैसे ही है, जहाँ पर हमें कभी गिरना है, कभी उठना है और फिर संभलना है। तो ट्राई ट्राई अगेन का मतलब ही ये है कि अगेन एंड अगेन अटेम्प्ट करो। अगर एक दफा फेल हो गए हो दोबारा ट्राई करो, अगर फिर फेल हो गए हो फिर ट्राई करो, कामयाबी जरूर आपके मुकद्दर में होगी अगर आपको अपने रब पर। इसलिए कभी भी नाकामी के टाइम कभी भी अपने एटीट्यूड को नेगेटिव मत करो, क्योंकि अल्लाह पाक शायद हमें आजमा रहे होते हैं और हमें उस आजमाइश पर पूरा उतरना है, और जब हम उस आजमाइश पर पूरा उतरते हैं तो हमें उस चीज से ज्यादा नवाजते हैं जिसका हमने सोचा होता है। कभी भी हिम्मत मत हारे, क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने मजबूत बनाया है, और अगर हम एक ही स्टेप पर हिम्मत हार जाएंगे तो शायद कभी भी कामयाबी को हासिल ना कर पाए। इसलिए कामयाबी को हासिल करने के लिए ट्राई अगेन बहुत जरूरी है, और कभी भी कामयाबी पहले स्टेप पर नहीं मिलती, इसलिए कभी भी एक ही स्टेप पर मत रुक जाए। हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ता है जो सैड होती हैं, एक्सेप्टेबल नहीं होती, जो हमें अपसेट कर देती हैं, जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं है, या हमें बिजनेस में लॉस हो जाता है या हमारी जॉब चली जाती है, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान कभी भी नहीं सोचता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं इन सब के होने के बावजूद हम चुप करके बैठ जाएं, हमें नेक्स्ट मूव ऑन करना पड़ेगा। कैसी भी सिचुएशन है, आपने हिम्मत नहीं है हारनी। अगर आज सैडनेस है तो आज आप अपने कल वाली खुशी को याद करो जिसमें आपने टोटली इंजॉय किया, इससे आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी और एक नई उम्मीद भी मिलेगी, और आपको अंदाजा हो जाएगा, आप समझ सकेंगे कि आपके लिए लर्निंग बहुत जरूरी थी, आपके लिए जो आपने मिस्टेक किया हो उससे लेसन बहुत। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नाकामी के बाद ये सोचते हैं कि जब मेहनत का सिला मिलना ही नहीं तो हम कोशिश क्यों करें। लेकिन अगर एक दफा मेहनत का सिला नहीं मिला तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप दोबारा कोशिश ना करो, लेकिन हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि एक दफा कामयाबी नहीं मिली तो क्या फायदा दोबारा मेहनत करने की। लेकिन
हमने ये तो बचपन से ही सुना है कि मेहनत में ही अजमत होती है, इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है। अगर आपका एक प्लान कामयाब नहीं हुआ तो आपके पास बहुत से और रास्ते हैं। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि इफ प्लान ए डिडंट वर्क द अल्फाबेट हैज 25 मोर लेटर्स टू कोड, मींस कि अगर आपका प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो आपके पास अभी भी 25 इंग्लिश के अल्फाबेट पर आप अमल करके आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी एक प्लान पर नाउमीद होकर मत बैठ जाए। अब आपने करना क्या है अगर एक दफा नाकामी का सामना करना पड़ ही गया है? क्योंकि इंसान सोचता है कि तो मैं नहीं कर सकता, या मुझसे नहीं होगा, या मैं करना नहीं चाहता, या मैं कैसे करूंगा। और अगर वो इसकी जगह ये सोच रहे कि मैं ट्राई करूंगा, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा, तो वो कामयाबी हासिल कर सकता है। इसलिए कभी भी मत सोचे कि मैं कर नहीं सकता या कैसे करूंगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताऊंगी इसके बारे में, आपको बहुत अच्छा। एडिसन के बारे में तो आपको पता ही है कि उसने लाइट बल्ब बनाया, तो वो उसने कई बार कोशिश की लेकिन उसको बहुत दफा फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन वो नाउमीद नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी, उसने कोशिश जारी रखी। क्योंकि उसका बिलीव था कि हर नाकामी उसको कुछ ना कुछ नया सिखा रही है जो उसकी नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको हेल्प आउट करेगी। इसलिए कभी भी वो रुका नहीं और इन दी एंड वो कामयाब हो गया, उसने लाइट बल्ब बना दिया। कभी भी नाकामी को अपना मुकद्दर मत माने, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हमारे लिए होती हैं जो कि सबक का बायस होती हैं हमारे लिए, जो हमें बहुत कुछ सिखा रही होती हैं। इसलिए कभी भी एक नाकामी पर चुप करके मत बैठ जाएं, बार बार कोशिश करें, कामयाबी जरूर आपके मुकद्दर में होगी। अल्लाह पाक भी हमें इसलिए गिराता है ताकि हम कुछ नया सीखें, कोई नया लेसन हासिल। कोई तकलीफ हमारे जो लाइफ में आती है वो इसलिए आती है कि वो शायद हमें बहुत सी नई तकलीफों से बचाने के लिए होती है, या कोई ऐसा धक्का हमें लगता है जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं, शायद वो हमें बहुत से धक्कों से बचाने के लिए आती है। बेहतरी किस चीज में है हम नहीं जानते, हम सिर्फ सोचते हैं और कर सकते हैं। किस चीज में बेहतरी है वो अल्लाह पाक जानते हैं, हमने क्या करना है कोशिश बस। अगर एक दफा आप गिर गए हैं तो दोबारा उठे, कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके मुकद्दर में होगी। आज का मेरा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है, इसी उम्मीद के साथ के हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, कोशिश करते रहेंगे और कामयाबी को जरूर हासिल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।